महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी साथ बैठकर सहमति से फैसला लेने की बात कह रहे हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएम पद को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर क्या कुछ कहा, उसके मायने क्या है, ये सब जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मोदी साहेबांशी बोललो, अमित शाह साहेबांशी बोललो की सरकार बनवण्यामध्ये कुठलाही आमचा अडथळा नाही। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है, पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा, सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी, मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा रहूंगा, भाजपा की बैठक में भी जो भी निर्णय लिया जाएगा हमें मंजूर होगा, हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी, भाजपा का सीएम मुझे मंजूर है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले 2.5 साल में पीएम मोदी और अमित शाह ने मेरा पूरा सहयोग किया, मोदी जी और अमित शाह मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे मुख्यमंत्री बनाया और बड़ी जिम्मेदारी दी, मैंने भी जनता के लिए बढ़ चढ़कर काम किया, रोने वालों और लड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ, मैं भागने वाला नहीं समाधान करने वाला व्यक्ति हूँ, हम मिलकर काम करने वाले लोग हैं, 2.5 साल तक हमने खूब काम किया है, महाराष्ट्र में विकास की रफ्तार बढ़ी है, हमने हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है, महाविकास अघाड़ी ने किसानों के हित में जो काम नहीं किए वो हमने किए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिला है, मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, जनता ने महायुति पर विश्वास जताया है, विकास की योजनाओं को समर्थन मिला है, आम आदमी को कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं मैं समझता हूँ, मैंने कभी मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को नहीं समझा, मैंने आम आदमी की तरह काम किया, महाराष्ट्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, हमारे काम का नतीजा दिख रहा है, हमने लाडली बहन योजना का काम शुरू किया, मैं लाडली बहनों का लाडला भाई हूँ। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है, मैंने पीएम मोदी को फोन किया था, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, भाजपा का फैसला मुझे स्वीकार होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में महायुति को जबरदस्त जीत हासिल हुई, राज्य की 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति को 230 सीटें मिली, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी सिर्फ 46 सीटें ही हासिल कर पाई। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली, वहीं राकांपा यानी एसपी को महज 10 सीट पर ही जीत हासिल हुई। 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने कुल 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 230 सीटें हासिल की, जिसमें भाजपा ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती, जबकि उनके सहयोगी दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती। इसके विपरीत लोकसभा में अधिक सीटें जीतने वाले महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में करारा झटका लगा। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने 16 सीटें जीती और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को महज 10 सीटें ही मिल सकी। इस पूरी खबर को लेकर, महाराष्ट्र के सीएम को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।